देश की इकोनॉमी में तेजी के मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं। सरकार के साथ ही देश की इकोनॉमी पर पैनी नजर रखने वाले एजेंसीज का दावा है कि 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड तेजी के साथ बढ़ेगी। ताज़ा अनुमान रेटिंग एजेंसी फिच का आया है और ये बाकी एजेंसियों के अनुमान से ताल मिला रहा है। फिच ने 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 11% से बढ़ाकर 12.8% कर दिया है। इसके पहले मूडीज ने 13.7%, क्रिसिल ने 11% और OECD ने 12.6% का GDP अनुमान जाहिर किया है। यानी दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत तैयार है। कोविड के बाद सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है। 11.5% की ग्रोथ से फिस्कल ईयर 22-23 में हम आगे बढ़ेंगे। पेंडेमिक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। दो चीजें कमाल की हुई है, भारतीय नेतृत्व क्षमता और वैक्सीनेशन। मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है और रोड ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हुआ है हमारा। अगर हर रोज अगर किलोमीटर की बात करें हम, तो सबसे ज्यादा किलोमीटर बनाने की क्षमता भारत सरकार की है। हालांकि अनुमान तभी सटीक साबित होंगे जब भारत कोरोना की इस दूसरी लहर को कंट्रोल करने में कामयाब रहेगा। फिलहाल देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वैक्सीन आने के बाद लोगों को लगने लगा कि इस बीमारी से जीत मिल गई है। यही गलती कोरोना से जंग जीतने के रास्ते की रुकावट बन गई है, जबकि हकीकत यह है कि वैक्सीन से कोरोना ना होने की केवल संभावना बढ़ती है। ये कोरोना से 100% बचाने का दावा करती भी नहीं है। The committee has recommended that the AstraZeneca vaccine's benefits outweigh its risks, with tremendous potential for preventing infections and deaths from COVID-19. दरअसल वैक्सीन कई तरह से काम करती है और हर तरीके में कोरोना होने से रोकना मुमकिन नहीं है। वैक्सीन संक्रमण की वजह से होने वाली बीमारी को खतरनाक नहीं होने देती है और जो वैक्सीन लेता है उससे संक्रमण आगे नहीं फैलता है। कोई भी वैक्सीन सभी 100 के 100 इंसानों में एंटीबॉडी नहीं बनाती। कुछ लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनती या इतनी कम बनती है कि वैक्सीन के बाद भी संक्रमण हो सकता है। फिलहाल जो दो वैक्सीन मौजूद हैं उनमें से एक एफिकेसी 70% तो दूसरे की 81% है। हालांकि सावधानी के साथ ये भी जरूरी है कि वैक्सीनेशन लगाने की स्पीड और दायरा बढ़ाया जाए, साथ ही टेस्टिंग को बढ़ाने की इस वक्त बेहद जरूरत है। सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा सके। ट्रांसमिशन को रोकने के लिए अग्रेसिव टेस्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्टिंग के बाद ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन किया जा सकेगा। साथ ही नए म्यूटेंट स्ट्रेन का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में लोगों को समझना जरूरी है कि वैक्सीन केवल बचाव है न कि इलाज। इस वायरस से बचाव भी तभी मुमकिन है जब सभी लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे और वैक्सीन लेकर इसके खतरे को कम करने में मदद करेंगे।